नमस्कार। विक्रमी संवत 2076 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ग्रह गोचर ये व्यवस्थाएं किस तरह से परिवर्तित होंगी और हमारे लिए किस तरह की फल सूचनाओं को लाने का और निक्षेपित करने का कार्य करेगी, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर तुला राशि वाले जातकों के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जो कि न तो अभी शनि की ढैया जनित व्यवस्थाओं से परेशान है, न संघर्षशील है और न ही उन्हें साढ़े साती का कोई अंतराल चल रहा है। ऐसी राशि वाले जातक जो कि तुला राशि वाले जातक है, आनंद प्रिय होते हैं, हमेशा ब्लिसफुल पोजिशंस जिनके साथ में बनी रहती है, किंतु इस बार राहु उच्चस्थ स्थितियों में जब 7 मार्च से आए तो ऐसे जातकों के लिए आप देखिए कि भाग्य के भीतर विराजित हो गए। शनि और केतु 7 मार्च से साथ में विराजित, शनि अपनी मिड डिग्रीज के आसपास 24 जनवरी 2020 को अपनी स्थितियां परिवर्तित कर जाएंगे, किंतु राहु ने भाग्य स्थान की स्थितियों को ले लिया है और जब भी राहु भाग्य स्थान की पोजिशंस के भीतर आकर विराजित होते हैं तो भाग्य में उचाट स्थितियां देते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ कोई भी व्यक्ति संलग्न हो तो वहां से भी एक डिस्टर्बेंसेस देने की पोजीशंस क्रिएट करते हैं, पूर्वाग्रहों का शिकार बनाते हैं व्यक्ति को और साथ ही साथ में भूतकाल की कई ऐसी घटनाएं उस व्यक्ति के सामने नकारात्मकता के तौर पर निकल कर आती है और डिस्टर्ब करने का कार्य भी करती है। तो ये तो स्थिति एक रही। बृहस्पति इस वर्ष भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ में अग्रसर रहेंगे, जो कि इस कुंडली के 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व को प्राप्त किए हुए होते हैं। ऐसे ग्रह 29 मार्च से 23 अप्रैल के मध्यकाल में अतिचारी स्थितियों में अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में विराजित रहेंगे और साथ ही साथ में आप देखिए कि 10 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्यकाल के भीतर बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में रेट्रोगेटिंग पोजीशन में भी रहेंगे और यहीं पर एक परिवर्तन आप और देखते हैं कि 4 नवंबर के बाद से फिर से धनु राशि में ही विराजित हो जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 13 महीनों के लिए प्रवेश कर जाएंगे। अभी 23 अप्रैल तक अतिचारी होकर आए हैं, 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्यकाल में बृहस्पति फिर से मंगल के राशि स्थान में ही विराजित रहने का कार्य करेंगे। तो ये तो रही एक स्थिति। अब आप देखिए कि 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य का जो समय बन रहा है और उसमें भी एक विशेष समय आप और नोट करें, 23 अप्रैल से 11 अगस्त 2019 के बीच का समय है। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर तुला राशि के जो भी जातक एक्सपेंशन के लिए जाना चाहते हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, पेट संबंधी तकलीफों से आप जूझ रहे थे और उसके इलाज के लिए जाने चाहते हैं, छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए जाने चाहते हैं, ये समय अच्छा बना हुआ है। और उसमें भी 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य जिनके जन्म स्थितियों में बृहस्पति वक्रगत पोजीशंस के अंदर जो है विराजित हैं, या फिर आप देखें कि उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजित हैं जन्म कुंडली में, या फिर सुदृढ़ पोजीशंस के अंदर विराजित हैं, यकीनन मानकर चलिएगा आप कि ये समय आपके लिए बेनिफिशियल कहा जा सकता है। और जिनके वक्रगत पोजीशंस में नहीं है उनके लिए 11 अगस्त से 4 नवंबर के मध्य का समय व्यापारिक कैलकुलेशंस के हिसाब से बढ़ोतरी करने वाला होगा। लिक्विडिटी के भीतर जिस ब्लॉकेज की वजह से व्यक्ति जूझता है, यानी कि पैसे की कमी की वजह से जूझता है, वो बड़ी ही आसानी के साथ परिपूरित हो जाएगी, भले ही लोन के बीच में हो या फिर कोई और ऐसे जमीन के सौदे के साथ में पैसा आना हो, क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखने का इस समय अंतराल के भीतर कार्य करेंगे, हिडन हाउस की प्रॉब्लम्स को दबाकर रखेंगे, कम्युनिकेशन के भीतर जीत पूरे तरीके से आपके लिए बनी रहेगी और कर्म में प्रखरता भी बनी रहेगी। देखिए, जब भी बृहस्पति 2nd हाउस में विराजित हो तो ये तो न तो त्रिकोण है और न ही केंद्र है, न ही त्रिक भाव है, इसे भाव पणफर की संज्ञा दी गई है, स्वतंत्र भाव के रूप में विराजित होता है। कुटुंब, वाणी और इसके साथ ही द्रव्य, द्रव्येश भी कहा गया है इसे मूलभूत आधार ग्रंथों में। और जब ऐसी पोजिशन के भीतर बैठ जाता है और 9वीं दृष्टि से 10th स्थान को देखने का काम करे तो कर्म में प्रखरता स्थापित होती है। जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए हैं वो कर्म के लिहाज से, हिडन प्रॉब्लम्स को दबाने के लिहाज से, लिक्विडिटी को नए तरीके से फ्लो के साथ में लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, शानदार कहा जा सकता है। अपनी रफ्तार को प्रवास दीजिए और उस प्रवास के साथ में लगातार बढ़ते चले जाइए और रुकने और थकने का काम कतई सामने नहीं आएगा।
जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट कल्चर के अपर लेडर्स में लगातार अपनी जॉब को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, शनि और केतु यहाँ पराक्रम स्थान में विराजत रहेंगे। शनि व्यक्ति के पराक्रम में जब मिड डिग्री से आगे निकल जाते हैं तो वृद्धि करने वाले होते हैं। केतु जो कि कुंजवत फल करते हैं, जिनका संस्कृत में पर्यायवाची ध्वज भी है, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति बनकर हमारे सामने आती है। और जो भी क्रियाकलाप जीवन के भीतर संस्थित होने चाहिए बड़ी ही तेजी के साथ में, और उसमें भी पराक्रम जैसी स्थितियां, जब आपकी जॉब में प्रमोशन होती है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, जब फाइनेंशियल कैलिबर बढ़ता है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, जब व्यक्ति का रुतबा बढ़ता है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, किसी आप राजनीतिक पार्टी के साथ में संलग्न हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी ऐसी पोजिशन में जब प्रखरता आती है, त्वरित गति आती है, तो व्यक्ति का नाम सिरमौर और स्थितियों के भीतर स्थापित होता चला जाता है। तो शनि और केतु की ये पोजिशन जो कि 24 जनवरी 2020 तक बनी रहेगी, शानदार कही जाएगी। जब बृहस्पति इनिशियल स्टेज के ऊपर बिल्कुल उदित अवस्थाओं में 4 नवंबर के बाद से जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, तो आप देखिए सिर्फ एक महीने का अंतराल छोड़ दीजिए, प्रिसाइजली ये टाइम फ्रेम नोट करके चलिएगा और उसका बेनिफिट उठाइएगा। 4 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 2020 के मध्यकाल का जो समय है, आपकी प्रमोशन के लिहाज से, जॉब चेंज करने के लिहाज से, कंट्री को चेंज करने के लिहाज से शानदार कहा जाएगा। इस समय का बेनिफिट उठाइएगा और चलते चले जाइएगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जो है स्थितियों के साथ में आप संलग्न होने की स्थितियों के भीतर विराजित हैं, जो भी माहौल के अंदर चेंजेस होते हैं अगर उसके साथ में भी आप जाना चाहते हैं, तब भी जो ये 4 नवंबर के पहले का समय है अच्छा बना हुआ है। 4 नवंबर के बाद की पोजीशंस मैंने आपके सामने चर्चा के रूप में रखने का काम किया। 4 जून से 28 जून के मध्य कई तरीके की हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ सकती है, बचकर चलिएगा। अपनी कैलकुलेशंस को 2 बार बड़ी प्रसाइज अप्रोच में चेक करिएगा। किसी भी ऐसी पोजीशन को निमंत्रण देने का काम मत करिएगा जो आपको डिस्टर्ब करने का कार्य कर सकती है, जो आपके लिए व्यवधान क्रिएट करने का कार्य कर सकती है। तो एक तो पोजीशन ये रही, साथ ही साथ में 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य की स्थितियों के भीतर कई ऐसे हिडन बेनिफिट्स निकल कर आ सकते हैं जिसका इंतजार आपको लंबे समय से बना हुआ था। यानी कि जो भी हमारे लिए हिडन पोजीशंस बनी रहती है या फिर जो ऐसे फायदे हमें मिलने चाहिए, वो पुरजोर तरीके से मिलते हुए हमारे सामने दिखाई देंगे। और जब ऐसे फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं, जब व्यक्ति के साथ में सर्वांगीण लाभ की पोजीशंस बनी रहे, जीवन में क्षमताओं की वृद्धि होती चली जाए, सूर्य की पोजीशंस के साथ में, इस स्थिति को मैं कह रहा हूं 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य का ये समय रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के साथ ही कोई और कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तब भी ये समय अंतराल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी की स्थितियों के भीतर मैं बात करूं तो 11 अप्रैल से 3 मई के मध्य का जो समय अंतराल है, जब बुध अपनी नीचस्त स्थितियों में विराजित रहते हैं, तो मानसिक चेतनाओं को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तुला राशि के जातक जो कि स्वच्छंद होते हैं, और जब मानसिक चेतनाएं इस तरह से प्रभावित हो और प्रवाहित हो, तो डिस्टर्बेंसेस मिलते ही मिलते हैं 15 अप्रैल से। हालांकि शुक्र भी यहीं विराजित हो जाएंगे साथ में, किंतु डिस्टर्बेंसेस रुकने की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग जरूर बनेगा, किंतु एक ग्रह नीचस्त और एक ग्रह उच्चस्त, तो एक तरह से जो कसमसाहट बनी रहती है वो बनी रहेगी और वो डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाने का कार्य कर सकती है। 10 मई से जो मैंने आपको 4 जून के मध्य का समय बताया है, सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से, एक्टिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई नया ऑफर आपके सामने आएगा, हाशिए से उठाकर फिर से एक स्तर की तरफ लेकर जा सकता है आपको इस समय अंतराल। और फिर से जो एक लाइमलाइट की दुनिया होती है, चकाचौंध की दुनिया होती है, वहां से जोड़कर रखने का कार्य भी कर सकता है। एक स्थिति तो यह रही, साथ ही साथ में दूसरी पोजीशन की अगर मैं चर्चा की तरफ जाऊं, तो अभी मंगल की जो पोजीशन बनी रहेगी आपके लिए शुरुआती स्तर के ऊपर 5 मई तक, वो भी कई हिडन प्रॉब्लम्स को उजागर करने वाली कही जा सकती है। बृहस्पति कितना ही कंट्रोल करें, किंतु जब मंगल अपनी ऐसी पोजीशंस में होते हैं तो खुराफात किए बिना व्यक्ति को रखते नहीं है, डिस्टर्बेंसेज निकल कर आते ही आते हैं। मधुमेह संबंधी रोगों से परेशान हैं आप, तो जून और जुलाई के महीनों में सावधानी के साथ में चलिएगा। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य अपने पुत्र शनिदेव की राशि
में जो है विराजित हो जाएंगे और दो लगातार संचरण काल जब शनि की देव की राशि में विराजित रहेंगे तो प्रथम में संघर्ष और हृदय संबंधी परेशानियां निकल कर आएगी। हृदय को उद्वेलित करने वाले स्थितियों के भीतर सूर्य रखेंगे। भले ही व्यक्ति कर्म की तरफ पूरे प्रखर तेज के साथ बढ़ता हो, 24 घंटे मेहनत करता हो, किंतु संघर्ष प्रथम माह में और द्वितीय माह के अंदर रिजल्ट भी मिलने शुरू होंगे और वही एक महीना 14 फरवरी से 14 मार्च के मध्य का ऐसा रहेगा जहां पर संतान से सुख पूर्ण रूप से आपके लिए निकल कर आएगा। देखिए, संतान से दो स्थितियों के भीतर व्यक्ति को सुख मिलता है, एक तो जिनके घर में अभी तक किलकारी नहीं गूंजी और जिनके घर में किलकारी तो गूंज गई किंतु बच्चों के साथ में किसी न किसी स्तर के ऊपर संघर्ष बना हुआ रहा है, वो दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती। किंतु 14 फरवरी से 14 मार्च के मध्य का समय उसके लिए बहुत बेहतर कहा जाएगा, अच्छे फलों को निर्मित करने वाला कहा जाएगा। अब यहाँ ये तो एक बात रही, किंतु साथ में जब नवरात्रे आते हैं, अभी जो है चैत्री नवरात्रे गए हैं, शारदीय नवरात्रे जब आएँ, माँ भगवती की उपासना करने के लिए जाना चाहिए। गुप्त नवरात्रे जब आएँ, जब भी आप माँ भगवती की उपासना लगातार करते रहें, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें और साथ में ही बृहस्पति संबंधित दान लगातार देते चले जाएँ, जिसमें शिक्षा का दान महत्वपूर्ण हद के ऊपर निकल कर सामने आता है। व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जब मैंने चर्चाएँ की तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी के फ्लो आदि बने रहेंगे, न्यूनाधिक डिस्टरबेंसेस आपके लिए कहे जा सकते हैं। शेयर मार्केट के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लोह संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित किसी भी शेयर्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको रिटायरमेंट प्लान करने की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। इस साल के भीतर कोई अगर पुरानी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो ठीक है, और इसके साथ में ही कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करने से, कोई नई जमीन को परचेस करने से रुकिएगा, उसको इतना अच्छा सौदा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अगर आप एक साल इंतजार करते हैं और जो लिक्विडिटी आपके साथ फ्लो में है, अगर वो एफडीज के रूप में है, आरडी के रूप में है, तो वो वृद्धि करेगी, और एक साल तक उसने अगर रिटर्न नहीं दिया तो आप देखें कि वो 365 दिन एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में सामने आए, वो स्थिति आपके लिए आ सकती है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो उससे थोड़ा सा बचकर चलने की कोशिशें आपको करनी चाहिए। तो ये थी मुख्य रूपेण चर्चा तुला राशि वाले जातकों के लिए। भाग्य जब सपोर्टिव नहीं हो तो व्यक्ति को कर्म का सहारा लेना चाहिए, राहु संबंधित दान के साथ जाना चाहिए, राहु के बीज बीज मंत्र की उपासना भगवती के साथ में भी व्यक्ति को लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए, रिजल्ट निश्चित तौर पर उसके लिए निकल कर आते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। जन्म पत्रिका विश्लेषण एक माध्यम है, हस्तरचित जन्म पत्रिका पूरे जीवन के विश्लेषण के साथ फलादेश के रूप में हमारे साथ रहने वाला एक माध्यम है। ज्योतिष एक गाइडिंग लाइट के रूप में व्यक्ति के जीवन में स्थापित रहती है, जिससे संघर्ष कब तक है यह पता लगाया जाए, संघर्ष नियत स्थान और नियत क्षेत्र में हो रहे हैं या नहीं यह भी पता लगाया जाए। हमें जाना पश्चिम की ओर है और हम पूर्व की ओर रास्ता तय कर जाएं और फिर मालूम चले कि रास्ता पूरे तरीके से उल्टा तय करना पड़ेगा, उसे समझदारी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ज्योतिष जैसा माध्यम एक विलक्षण और एक ईश्वरीय सत्ता के रूप में हम सभी के साथ में मौजूद है, इसका बेनिफिट उठाएं और समय को सबसे बड़ी ताकत जीवन के संचार के भीतर माने। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। विक्रमी संवत 2076 नवीन ऊर्जा प्रस्फुटित आपके जीवन में करता रहे, ऐसा ही मेरी इस ईश्वर से, उस सर्वोच्च सत्ता से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।